हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुशील वर्मा मार्बल फ्लोरिंग पर। ये आप देख सकते हैं 12x18 की टाइल लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और ये टाइल लगाने का तरीका। और घर में अगर कोई भी भाई टाइल लगवा रहा है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम है जो कि 6 फिट की इसकी हाइट है और ये 5x6 का बाथरूम है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कहीं पर भी टाइल फिटिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। कम से कम इसकी ढाल है और इसकी कई विशेष बातें हैं जो कि आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। एक तो आप टाइल के कोने देख सकते हैं, किसी भी भाई ने आपने बहुत ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टाइल के कोनों के अंदर कटिंग होती है। ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइल के कोनों के अंदर कोई कटिंग नहीं की गई है। और टाइल फिटिंग और टाइल के जोड़ भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, कहीं पर भी आपको कोई जोड़ नज़र नहीं आएगा इस वीडियो। ये देखो दोस्तों, ये कोने देख सकते हो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे 6 फिट के अंदर कहीं पर भी कोई भी इसके अंदर जोड़ नहीं है। और ये जाली है जो कि देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से फिट की गई है। और ये इसकी दीवार है, इसके बाथरूम के कोने देख सकते हैं आप। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई भी भाई देख रहा है इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके हमारी वीडियो के बारे में। ये आप देख सकते हैं इसके कोने हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी 6 फिट के अंदर कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं आई है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये देख सकते हैं, ये पहले फर्श लगा हुआ है, इसके बाद में फर्श के ऊपर हमने टाइल को लगाया। ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा पहले दीवारें लगाई जाती है फिर फर्श लगाया जाता है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं पहले फर्श लगा हुआ है, इसकी भी एक विशेषता है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये टाइल है 12x18 की टाइल है और देखने में बड़ी ही शानदार लगती है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ऐसे ये टॉयलेट है। इस टॉयलेट का देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कहीं पर भी कोई कोनों के अंदर कोई कटिंग नहीं है। ये एकदम शोल के अंदर दीवारें लगी हुई है और दीवारों के ऊपर एडेसिव है जो देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी ढाल देखो कितनी नॉर्मल है, इतनी नॉर्मल सी ढाल है। ज़्यादा ढाल नहीं रखें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ढाल रखने से आपका पैर भी फिसल सकता है। जो भी भाई सीट लगवाता है या लगवा रहे हैं उनसे विशेष मेरी बात है कि सीट के अंदर कम से कम ढाल दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देख सकते हैं इसके कोनों में भी कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं आई है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और टाइल फिटिंग करते दौरान आप कम से कम एडेसिव का ही यूज़ करें, सीमेंट बजरी का यूज़ मत करें। ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि एडेसिव का यूज़ करने से ही आपकी टाइल है जो बाथरूम है वो सही लगेगा और कहीं पर कल को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कहीं जगह देखा हुआ टाइल उखड़ जाती है। और ये वॉश बेसिन भी आप देख सकते हैं, इस वॉश बेसिन के अंदर देखो ये सिंगल गोला दिया हुआ है हमने ग्रेनाइट का, और आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। इसको फुल भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना शानदार है। और ये बाथरूम है, बाथरूम भी देखो पहले फर्श लगा उसके बाद में टाइल लगी हुई है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप घर पे मिस्त्री लगवा रहे हो या आपने सोचा भी है काम करने का, तो उसे बोलिए भाई कि पहले फर्श लगाओ। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, लोगों को बोलो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमारी वीडियो देखो, हमारी वीडियो के अंदर हर एक बात का नॉलेज मिलेगा आपको। ये देखो ये सीट की पाइप भी लगी हुई है, कहीं पर देखा है हमने बहुत ज़्यादा सीट की पाइप लगा देते हैं फिर उसके अंदर फ्लैश का पानी है जो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता। इन सभी कमियों को हम दूर करने के लिए हम वीडियो डालते हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये बाथरूम है, आपको कहीं पर कोई जोड़ दिखाई दे रहा है, कोई जोड़ नहीं है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इसका मैचिंग है वो भी एकदम शानदार है, सबसे सिंपल से सिंपल टाइल लगानी चाहिए। और ये मंदिर है 2x4 का, ये भी आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये मंदिर देख सकते हैं आप कितना शानदार है, इसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो देख सकते हैं ये 2x4 की टाइल का